सर दोस्तों आपका स्वागत है द अभय टेक चैनल पर। चाहे उसे टेक के बच्चे करना, कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना। पॉलिटेक नज़र पोको X3 की तरफ से पोको X3 8 सितंबर को लॉन्च होगा और इसमें आपको 732 वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। फ्रंट की तरफ पंच सिंगल पंच होल के साथ आएंगे जिसमें आपको 20 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल सकता है और साथ ही और 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा देखने को मिल सकता है। दूसरी टेक्नोलॉजी रियलमी की तरफ से रियलमी 7 प्रो और 7 दोनों ही फ़ोन ये 3 सितंबर को लॉन्च होने वाले हैं और इसमें आपको 720G वाला ही प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। साथ ही इसमें जो एडिशनल फीचर ऐड किया इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और साथ ही इसमें और 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिखा और थोड़े से और इंप्रूवमेंट करने के बाद ये फ़ोन जल्दी ही लाने वाले हैं। और जो तीसरी टेक्नोलॉजी Mi 10T की तरफ से Mi 10 तो लॉन्च होगा, Mi 10 Lite भी लॉन्च होगा, Mi 10T लॉन्च होगा जो प्रो वर्जन उसकी लाइव इमेज निकली उसमें आपको 1.08 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल सकता है, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। बहुत बेहतरीन फोन है, जल्दी देखने को मिल सकता है। और जो पांचवी चौथी टेक्नोलॉजी रेडमी की तरफ से Redmi 9 जो लॉन्च होना था आज जो लॉन्च हो गया उसमें कुछ प्राइस रखी है। 2 वेरियंट लॉन्च हुए 3 GB 30 GB 9000 का जो 4 GB 64 है वो कुछ 10000 के बीच में देखने को मिल सकता है। दोनों में आपको डुअल कैमरा देखने को मिल सकता है और बहुत बेहतरीन रिसेंट वाला फोन है। और साथ ही एक और फोन आ सकता है Realme 9i वाला भी देखने को मिल सकता है, मतलब Redmi 9i देखने को मिल सकता है। और जो पाँचों टेक्नोलॉजी इन्फिनिक्स तरफ से Infinix 08 जो लॉन्च होने वाला था इंडोनेशिया में लॉन्च होगा, इसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है और साथ ही आपको IPS वाली डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। 64 क्वाड कैमरा देखने में फ्रंट की तरफ आपको 48+2 मेगापिक्सल का ऐसे 2 डुअल पंच होल वाले सेल्फी वाले फोन देखने को मिल सकता है। इसमें Helio G19 वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। बहुत बेहतरीन प्राइस के साथ, बहुत बेहतरीन लुक के साथ ये फोन इंडोनेशिया में लॉन्च हो गया और इसकी जो प्राइस रखी गई इंडोनेशिया प्राइस से कन्वर्ट किया तो 15000 के बीच में, मतलब बहुत बेहतरीन फोन लॉन्च किया बजट के प्राइस में, बजट प्राइस रेंज में। और ये जल्दी ही अक्टूबर तक में इंडिया में देखने को मिल सकता है। और जो छठे टेक्नोलॉजी Samsung Galaxy M51 के से M51 जो गूगल काउंसिल में सर्टिफाइड चुका है और इसमें आपको 730G वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है और ये जल्दी ही इंडिया में लॉन्च होगा। थैंक यू, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।